आंटी जी नाम बताइए आप, क्या नाम है आंटी? विजय लक्ष्मी जी का आप नाड़ी देखते हैं। देखिए ये मेरा दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है ना आपका? बायां है। देखिए हमने इनकी हाथ पे, कई लोग कहते हैं ना आप सर अपने वीडियो में आप पोजीशन नहीं दिखाते उंगली की, देखो ये 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 इनकी हाथ है, ये इनका अंगूठा है, तो ये अंगूठे का ये मूल है, देखो ये मूल है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मूल को छोड़ते हैं हम और फिर यहाँ पे हम तर्जनी लगाते हैं। देखो मैं निशान लगाता हूँ, यहाँ पे हम तर्जनी लगाते हैं, यहाँ पे हम मध्यमा लगाते हैं और यहाँ पे हम अनामिका लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको ये चित्र आ रहा होगा और हमने देखो यहाँ तीनों उंगलियों को इसी पॉइंट्स पे लगा दिया। देखो ये इस प्रकार से नाड़ी देखी जाती है। यहाँ से अगर आप गैप देखेंगे तो एक अंगुल का गैप है, देखो आप देख रहे हैं एक अंगुल का गैप। और ये देखो हमने ये नाड़ी पे हाथ लगाया, अभी नाड़ी में साफ नज़र आ रहा है इनके कि वात जो है वो बढ़ा हुआ है। वैसे भी वर्षा ऋतु का काल है और वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है और वात के साथ साथ जो वात की नाड़ी है इसमें जो है सर्प गति की जगह पे उछाल आ रही है। आपको दर्द रहता है ना, पूरे दर्द रहता है? जोर से बोलिए ना, थोड़ा एक साइड में रहता है दर्द, एक साइड ज़्यादा रहता है, एक साइड, देखिए ये बता रही है कि एक साइड ज़्यादा दर्द रहता है और दाहिनी तरफ ज़्यादा रहता है, सर से पाँव तक दर्द रहता है। तो ये नाड़ी में वात की नाड़ी में स्पंदन ऊपर की तरफ है, जलोका गति कहते हैं, झंझनाहट और कभी आग जैसे जलन जलन है ना। और ये देखिए खुद रोगी बता रही हैं कि उन्हें झंझनाहट रहती है, दर्द रहता है, पीछे की तरफ दर्द रहता है ना। अब हम जरा इनकी पित्त की नाड़ी देखते हैं, मध्यमा उंगली पर हम पित्त की नाड़ी देखते हैं, अग्नि कैसी है इनकी। तो अग्नि जो है ये जब वात की नाड़ी में उछाल है तो प्रायः अग्नि तीव्र होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अग्नि उतनी तीव्र नहीं दिख रही है, मंदाग्नि है। भूख कैसी है आपकी, ठीक ठाक है? भूख तो ठीक है, आजकल ना मुझे 20 दिन हो गए, उससे पहले मौसम हुआ था, अभी भूख कम हो गई है। तो इनकी अग्नि मांद है, क्योंकि इन्होंने बताया हिस्ट्री दी कि अतिसार हुआ है इनको और आप सब जानते हैं कि निवृत्ति अतिसार अपनी मंदाग्नो, अतिसार से निवृत्त होने पर अग्नि मंद होती है। उस दिन से मेरे पेट जो है मतलब चल, तो कहीं ना कहीं इनकी अग्नि मंद है, थोड़ा ठीक हो रही है, इनकी अग्नि मंद है और इनके अतिसार लगातार हो रहा है, तो ये अग्नि को देख के हमें ये पता चल रहा है। अब तीसरी नाड़ी है कफ की नाड़ी, इस कफ की नाड़ी को हम देखते हैं, इस कफ की नाड़ी में बिल्कुल भी स्पंदन पता नहीं चल रहा है, यानी कि कफ जो है वो बड़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं सामा अवस्था भी है, अग्नि मंद है, वात की नाड़ी में जलोगा गति। जीभ दिखाइए मैम, और देखिए इनकी जीभ, देखिए आप जिह्वा साम युक्त है, देखिए आप ये साम जिह्वा है, तो इस प्रकार से सफेद है जिह्वा आपकी, हमेशा सफेद रहती है। आज जब बीमार कुछ होता है ना मुझे एकदम होता है। तो आप ये बताइए आपकी नाड़ी देख के, मैंने सब बताया ना, सब कुछ बताया ना, और आपको किसी ने बताया था कि सर नाड़ी देखते हैं, तो मैं इसीलिए वैद्यों को बोलता हूँ कि ये नाड़ी परीक्षा जो है ना ये अद्भुत ज्ञान है, इसको आपको लेना चाहिए और ये बिल्कुल साइंटिफिक ज्ञान है, मैं बार बार कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सीखिए नाड़ी, थैंक यू।